नमस्कार, डॉक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं सुबह की खबरें एनबीसी न्यूज के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग शुरू, द्रौपदी मुर्मू की जीत तय। 15 साल पहले 21 जुलाई को ही देश को मिली थी पहली महिला प्रेसिडेंट। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना, राहुल प्रियंका भी हैं साथ में मौजूद हैं। तो वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में संसद भवन में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,566 नए मामले, तो संक्रमण दर हुआ 4.25%। देश में भारी बारिश की वजह से हर ओर तबाही, पुणे में भारी बारिश के कारण 50 से ज्यादा जानवरों की हुई मौत। विश्व में भारतीय हथियारों की धाक, फिलीपींस के बाद बाकी देश हमसे खरीदेगा ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामले किए दर्ज, भारत में बढ़ रहा है खतरा। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हालात हुए खराब, लाहौल में बाढ़ के बाद सड़कें हुई ब्लॉक। रेल टिकट कंसेशन, नहीं शुरू हुई सीनियर सिटीजन के लिए फिर से रियायती रेल टिकट सेवा। कोरोना महामारी के बाद से ही रेल सफर करने के लिए दी जाने वाली रियायतों को किया गया था निलंबित। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। स्प्लिटर लक्ष्मी का डोम टेस्ट आया पॉजिटिव, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत के पहले ही हो गई बाहर। दिल्ली की बड़ी कंपनी ने नागपुर में बनाई थी डमी कंपनियां, 300 करोड़ रुपए का घोटाला, सीबीआई की जांच में हुआ नया खुलासा। मजदूर चौकीदार ही निकले करोड़ों की कंपनियों के डायरेक्टर।